सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। काम हर हाल में, नाम को साल में, ईद की एक छुट्टी मनाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मैं एक वो कुली फिल्म का गाना गा रहा हूँ, को उनके अपना कुली के माध्यम से, कुली फिल्म के माध्यम से जो है ना बताया गया है, वो उनको समझाइश दे रहा हूँ मैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखो। आप आपकी सब व्यवस्था प्रशासन कर चुका है, आप आ जाओ और कोरोना वायरस से निपटने के लिए आप तैयार रहो। आप बाहर मत रखा, वो तो मुझे करनी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है वो। लेकिन ये जो दूर से मजदूर थके हारे बेहाल, कई मजदूर ऐसे भी आए मेरे सामने कि तीन दिन तक भोजन नहीं किया उन्होंने, लेकिन वहाँ यहाँ उठा के अभी शहरों से कुछ व्यवस्था की गई, तो आलू पोहा वगैरह, नाश्ता वास्ता, बिस्किट के पैकेट वगैरह उनको सबको अरेंज कराया गया यहाँ पे बढ़िया। अपना उनको रखा गया 15-20 मिनट और उनको खिला पिला के फिर यहाँ से रवाना किया गया। यहाँ से लगभग जिस दिन से हम शुरू हुए हैं उस दिन से लगभग 5-6 हज़ार लेबर जो हैं वो जा चुके हैं यहाँ से वापस अपने, यानी अपने ज़िले में आ चुके हैं। ज़िले के मजदूर लगभग 5,000 के लगभग लेबर आ चुके हैं। मजदूरों की स्थिति यह है कि यहाँ तो उनके पास में कुछ भी खाने कमाने का कुछ भी साधन नहीं था, यहाँ आदिवासी बीहड़ क्षेत्रों के रहने वाले गरीब मजदूर जो हैं। लेकिन जहाँ से इनको आमद होती थी, जो मिलता था, जहाँ मजदूरी करने के लिए जाते थे, जैसे महाराष्ट्र में, पुणे में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, दूर दूर तक जाते हैं यहाँ की लेबर जाती हैं, नागपुर में, तो वहाँ उनके जो कंपनी जो हैं वो अथराइज जो भी हैं उनने सब ने वापस कर दिया उन लोगों को।